नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। अमेठी हत्याकांड में छेड़खानी का विरोध करने की वजह से हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पत्नी ने चंदन वर्मा नाम के शख्स पर छेड़खानी की FIR दर्ज कराई थी। 18 अगस्त को ये मामला दर्ज हुआ था। अब इसी सिलसिले में बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारी है, यह आशंका जताई जा रही है। मृतक टीचर का नाम सुनील कुमार बताया जा रहा है। टीचर सुनील कुमार समेत पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी, दो बच्चों की हत्या हुई है। शिवरतनगंज इलाके के भवानी नगर का यह मामला है। परिवार रायबरेली का रहने वाला था। अमेठी के अहोरवा भवानी कस्बे में सुनील किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। सुनील PM श्री विद्यालय पनहौना में सहायक अध्यापक थे। शाम को कुछ हथियारधारी लोग उनके आवास पर पहुंचते हैं। बदमाशों ने सुनील पर निशाना बनाते हुए गोली चलाई। बचाव में पहुंची उनकी पत्नी और दो बच्चों को भी बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। देखिए, थाना शिवरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके दो बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पर भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से, क्या इस घटना उस FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। देखिए, अभी हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं, शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर रखी है। देखिए, दोनों लड़की हैं, एक की उम्र करीब 5 साल के आसपास है और दूसरा 1.5 या 2 साल के आसपास है। और इस वक्त वारदात वाली जगह पे हमारे सहयोगी राजीव पहुंच चुके हैं। राजीव, ये बताए अभी तक की पुलिस तफ्तीश कहां तक पहुंची? जिस चंदन वर्मा की बात हो रही है, क्या उसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा या फिर हत्यारों को उसने सुपारी पर बुलाया होगा? देखिए मेनका, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त मैं अमेठी की उसी घटना स्थल पर खड़ा हूं जहां पर कुछ देर पहले इस घटना को वारदात को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं ये अहोरवा भवानी का वही घर है जिसके बगल में ये मेडिकल स्टोर आप देख रहे हैं कि देर शाम करीब 7 बजे जो हत्यारे थे वो इसी गेट से इसी घर में एंटर करते हैं और यहाँ पर रह रहे एक सरकारी टीचर सुनील कुमार और उनकी पत्नी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो देखने से लगता है कि कहीं भी फोर्सफुली एंट्री नहीं की गई है, यानी कि जो पहला शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लूट या डकैती की कोई वारदात अंजाम दी गई है। लेकिन जो फिलहाल अभी अंदर से साक्ष्य मिले हैं, घटना के दौरान 9 पुलिस को खोखे मिले हैं, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, जिसके बाद जब इस पूरे मामले की छानबीन की गई है तो पता ये चला है कि कुछ दिन पहले सुनील कुमार जो मृतक है उनकी पत्नी पूनम भारती ने रायबरेली के कोतवाली क्षेत्र में एक चंदन वर्मा के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें रायबरेली पुलिस ने चंदन वर्मा का 151 में चालान किया था और इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की थी। तो ऐसे जो लोग वहां मौजूद है हाथ लगे उनसे भी जरा बात कीजिए, क्योंकि बगल में दुकान है, दुकान के बगल में कमरे का गेट है और वहां से दाखिल होते हैं, आराम से फायरिंग करते हैं, वो भी शाम के वक्त जबकि दुकान पर लोगों की भीड़ ज्यादा होती है। बावजूद इसके इस वारदात को अंजाम देकर वहां से बदमाश भाग निकलते हैं। यहां मौजूद लोग क्या कह रहे हैं, कितने लोग थे वो लोग? देखिए मेनका, ये टारगेट किलिंग पहली प्रथम दृष्टया देखने को मिल रही है और यही कारण है कि टारगेट जो उनका क्लियर था उस पर ही उन्होंने अटैक किया। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी पप्पू जो कि घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे थे। पप्पू, किधर से एंट्री की और यहां पर उस समय क्या हालात थे, किधर से आए और क्या व्यवस्था थी? जी बिल्कुल, आपको बता दें अपने दर्शकों को, ये रास्ता आप देख सकते हैं, ये मेन रास्ता है जो इस गली की तरफ आता है, सामने अरोहा भवानी मंदिर है, आना जाना इधर से, पीछे से भी एक बाउंड्री वॉल बनी हुई है, उस तरफ से भी लोग जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो
पुलिस का इशारा है या फिर लोगों का जो इशारा अभी तक यहाँ पर कर रहे हैं जो लोग हैं कि इसी मेन रास्ते से आए थे यहाँ पर और अचानक घर में घुसते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं और ये पिस्टल से फायरिंग हुई है। जो न्यूज 18 के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, पिस्टल से फायरिंग की गई है और जिस तरीके से मृतका की पत्नी ने एक रायबरेली में FIR दर्ज कराया था तो कुछ मामला ये प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि IG रेंज यहां पर पहुंचे हैं, तमाम वो पुलिस के बड़े अफसर हैं, लखनऊ से ADG पहुंचे हैं। जो पुलिस का इशारा है वो उसी प्रेमी की तरफ जा रहा है जिसने ताबड़तोड़ और ये भी बताया जा रहा है कि एक ही पिस्टल से मेनका एक छेड़छाड़ की FIR दर्ज कराई गई थी। अभी उस मामले में प्रथम दृष्टया ये सामने आ रहा है कि शायद इस घटना का ताल्लुक उस FIR से हो सकता है, इसीलिए अमेठी पुलिस के साथ रायबरेली पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है जो कि लगातार जो चंदन वर्मा है जिसने कुछ दिन पहले उसके ऊपर आरोप लगा था उसकी तलाश भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो मौके से तमाम साक्ष्य और सबूत मिले हैं पुलिस को, चाहे वो यहां पर फोरेंसिक की टीम अब से कुछ देर पहले पहुंची थी क्योंकि ये बड़ा घटनाक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर नाराजगी जताई है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और पुलिस के बड़े अफसरों को मौके पर पहुंचकर तत्काल इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यही कारण राजीव बने रहे हमारे साथ। कई सारे सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब बहुत जरूरी है क्योंकि शाम के वक्त जब भीड़ ज्यादा होती है उस वक्त इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया घर में घुसकर। इस बीच CM योगी आदित्यनाथ ने अमेठी की घटना का संज्ञान लिया। घटना पर CM योगी ने शोक जताया, हत्याकांड पर उन्होंने सख्त लहजा दिखाया है। CM योगी ने साफ कह दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने उसी वक्त दे दिए थे। CM योगी के निर्देश पर वारदात वाली जगह पर अधिकारी पहुंचे, ADG लखनऊ और IG अयोध्या भी अमेठी के लिए रवाना हो गए। मौके पर फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची और फिर वहां पर जांच पड़ताल की शुरुआत कर दी गई है। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। राजीव, कई बदमाश दाखिल हुए थे घर में, अभी तक की इंफॉर्मेशन क्या है? एक ही हथियार से गोली चली है या हथियार भी मल्टीपल है? दूसरी बात, जिस तरह से कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है तो ये बात तो साफ है कि जो भी दाखिल हुए थे घर में उन्हें ये परिवार जानता था। और देखिए, यकीनन मेनका, जब इस तरह की वारदात होती है और खासकर जब बच्चों को मारा जाता है या फिर किसी अन्य को टारगेट बनाया जाता है तो ये एक उम्मीद और अंदेशा जताया जाता है कि शायद वो हत्यारे के जानने वाले होते हैं या परिचित ही इस तरह की वारदात को अंजाम देता है। हालांकि ये बात सच है कि जब ये करीब 7 बजे के करीब ये घटना हुई है तो जो आपको चौराहा सामने नजर आ रहा है, यहीं पर दुर्गा पूजा की आरती हो रही थी और सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो हत्यारे थे, जो आरोपी थे, उनका टारगेट एकदम क्लियर था और उन्होंने यही इसी मौके का फायदा उठाकर वो इस घर में दाखिल होते हैं और यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके गोली मारकर इस पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। और इसी के चलते अमेठी के DMSP के साथ जो बड़े अफसर हैं, जो ADG जोन SB शिरोडकर हैं, वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं, IG रेंज मौके पर पहुंच चुके हैं और अब ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस घटना को अंजाम देने वाले। राजीव, अब बड़ा सवाल है, क्या CCTV कैमरा आसपास कहीं कुछ मिला, कोई सुराग? और जिस चंदन वर्मा की बात हो रही है, क्या उसे हिरासत में अभी तक लिया जा सका है? देखिए, उसकी जो प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य मिल रहे हैं, जो अंदेशा जताया जा रहा है, वो यकीनन चंदन वर्मा पर जताया जा रहा है। इसीलिए अमेठी के साथ ही साथ रायबरेली की पुलिस, जो कि वो क्योंकि खुद वो रायबरेली कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है, वहां उसके घर पर दबिश दी गई है लेकिन वो घर पर अभी मिला नहीं है। कई टीमें गठित की गई हैं कि सबसे पहले उसे पकड़ा जाए, उसे हिरासत में लिया जाए और पूछताछ किया जाए कि आखिर इस घटना का मुख्य जिम्मेदार कौन है, मुख्य हत्यारा कौन है। तो कोशिश की जा रही है कि उसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन फिलहाल वो जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं वो फरार है। और कोशिश ये भी है कि जो अब से कुछ देर पहले यहां पर फोरेंसिक की टीम पहुंची थी, क्योंकि अभी भी कई साक्ष्य सबूत हो सकते हैं, इसीलिए इस घर को बंद किया गया, सील किया गया, अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन बड़े अफसर अभी भी कोशिश ये कर रहे हैं कि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। खुद मुख्यमंत्री स्तर से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, प्रमुख सचिव गृह भी लगातार ये अपडेट ले रहे हैं कि क्या इसमें कार्रवाई हुई है और कोशिश जी। राजीव, आगे जो भी अपडेट हो, जो इन्फॉर्मेशन हो, आपके जरिए हम
दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। इधर शारदीय नवरात्र पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे गोरक्ष पीठाधीश्वर सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने शक्ति मंदिर में कलश स्थापना की। इसी के साथ गोरखनाथ मंदिर में 10 दिवसीय विशेष पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी है। गोरक्ष पीठ में महायोगी गुरु गोरखनाथ के साथ ही शक्तिपीठ की शक्ति की आराधना की जाती है। मठ में स्थित शक्ति मंदिर में पूरे नवरात्र साधना चलती है। विजयादशमी पर राज तिलक करने के लिए खुद गोरक्ष पीठाधीश्वर मौजूद होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के पहले दिन गोरखपुर में बुढ़िया माई के दरबार में हाजिरी लगाई। कुसुम्बी जंगल में मौजूद बुढ़िया माई के मंदिर में उन्होंने माई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया और पूजन किया। प्रदेशवासियों के कल्याण और मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में मौजूद कुंड में हुए सौंदर्यीकरण के कामों का निरीक्षण किया। घने जंगल में मौजूद बुढ़िया माई का मंदिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोक आस्था का बड़ा केंद्र है। सोनभद्र में तेज रफ्तार ट्रक एक घर में घुस गया। इस हादसे में घर के बाहर खेल रहे दो मासूमों के साथ ही तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुए तीनों लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। ट्रक रॉबर्ट्सगंज से चोपन की ओर जा रहा था। हादसा चोपन थाना क्षेत्र के फॉसिल्स पार्क अवाई के पास हुआ है। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए। बागपत में एक बच्चा चोरी का मामला सामने आया। घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में 7 महीने की बच्ची मायशा को बुर्का पहने एक महिला लेकर जाती दिख रही है। घटना बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के बावली गांव की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरी बड़ी लड़की लेके गई थी यो वाली, इसके हाथ में से ले ली। कहने लगी मायरा मैं तुझे जान दी और मैं तेरे जानने वाली हूँ, ला मुझे दे दे, मैं घर पे दे जाऊंगी, तू खेल ले। इसने दे दी मेरी बच्ची को, इसने दे दी। फिर ये मई खड़ी होगी बहुत देर में आई हो, अम्मी कोई मायसा को लेके आया हो, नहीं लेके आया क्या अम्मी, मेरे तो किसी ने ली उसे। प्रतापगढ़ से खबर, चोरी का आरोप लगाकर नाबालिग लड़के की पिटाई के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 15 सितंबर का यह मामला है। चोरी के आरोप में एक नाबालिग लड़के को बेरहमी से पीटा गया था। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। नगर कोतवाली के चिलबिला इलाके का यह मामला, 13 साल का नाबालिग गणेश पंडाल में गया था। 5 लोगों ने चोरी का आरोप लगाया और उस लड़के को बंधक बना लिया, खंभे से बांधकर उसकी पिटाई की। लड़का छोड़ने की गुहार लगाता रहा लेकिन दबंग माने नहीं, लाठी डंडों से उसे पीटते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा मजरूह के परिजनों से संपर्क किया गया तथा तहरीर प्राप्त की गई। तहरीर प्राप्त होने के पश्चात भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में अभियोग तत्काल पंजीकृत किया गया तथा सभी नामजद 5 अभियुक्तों का तत्काल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पुलिस पीड़ित परिवार के निरंतर संपर्क में है तथा आगे से भी जनपद प्रतापगढ़ की पुलिस सुनिश्चित करेगी इस तरह की कोई भी घटना कारित न हो। अगर कहीं से भी कोई इस तरह का मामला संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रायबरेली में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एम्स मुंशीगंज में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी का आरोप है। 28 सितंबर को अनिल कुमार शुक्ल ने भदौखर थाना में शिकायत दी थी। आरोपी अंकित मिश्रा ने खुद एम्स के यूरोलॉजी विभाग का कर्मचारी खुद को बताया था। नौकरी दिलाने के नाम पर 4,50,000 रुपए ठगने का इस पर आरोप है। पीड़ित को इस साल 24 मार्च को नौकरी की ज्वाइनिंग की तारीख दी गई, बाद में मेडिकल की वजह से तारीख आगे बढ़ा दी गई। फिर 1 जून को अपने अधीन एम्स में ट्रेनिंग का लेटर दिया गया। इस दौरान पीड़िता को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता लगा। थाना भदौखर के अंतर्गत जो है एक व्यक्ति द्वारा ये तहरीर दी गई कि उससे एक व्यक्ति ने उसके दोस्त से 4.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर ले लिया है और जिसके उपरांत उनको एक ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया था, लेकिन उनकी तैनाती उस विभाग में नहीं हुई।
तो उसकी जानकारी हुई कि उसे ठगी हुई है, जिसके उपरांत उन्होंने तहरीर देकर ये मुकदमा पंजीकृत करवाया था, जिस पर जो है उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो है उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई कराई जा रही है। इधर आगरा में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। बोदला प्रकाश नगर इलाके में घरों के बाहर फुटपाथ और सड़क पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से तोड़ा गया। दरअसल निगम ने फुटपाथ को ठीक करने का टेंडर दिया था, ठेकेदार के कहने पर लोगों ने अवैध कब्जा नहीं हटाया। अब निगम की टीम ने कार्रवाई कर बुलडोजर से अतिक्रमण हटवाया। गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद के विवादित बयान पर केस दर्ज हुआ। डासना महापीठ के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें विशेष समुदाय के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक बयान दी थी। अब उस वायरल वीडियो के आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बिजनौर से बड़ी खबर, जहां कुट्टू का आटा खाने से 100 लोग बीमार हो गए, कई लोगों की हालत नाजुक है। थाना चांदपुर कस्बे के रहने वाले हैं ये मरीज। एक दो नहीं बल्कि 100 लोगों के बीमार होने की खबर आ रही है। खबर आ रही है कि कुट्टू का आटा खाया था इन्होंने और जिसकी वजह से इनकी स्थिति बिगड़ने लगी। चांदपुर कस्बे के रहने वाले हैं ये सभी लोग। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां फर्नीचर के शोरूम में भीषण आग लग गई और आग की चपेट में आकर लाखों रुपए का सामान जल गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसा मीरापुर थाना क्षेत्र में हुआ है। दर मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक शातिर गैंग का खुलासा किया। ये गैंग नई गाड़ियों को फाइनेंस पर खरीदकर पुरानी गाड़ियों के चेसिस नंबर और इंजन नंबर बदलकर दूसरे राज्यों में बेच देते थे। पुलिस ने गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 14 लग्जरी कार और फर्जी कागजात बरामद हुए। पुलिस ने इस शातिर गिरोह के चोरों को पकड़ा है। इसमें ये वर्ष 2018 से इनका लगभग ये चल रहा है। जितनी भी अभी हमने गाड़ियां बरामद की है टोटल 14, इसमें से सबसे पुरानी गाड़ी जो है वो 2018 के टाइम पे फाइनेंस हुई हुई है और ये वर्तमान में लगातार इनका जो काम चल रहा है। बीच में कोविड के टाइम पे थोड़ा सा इनका काम डिस्टर्ब हो गया था। तो ये इसके अलावा जो आपको मैंने अभी बताया कि जो किया की जो गाड़ियाँ हैं उनका जो स्टोर मैनेजर है सुनील, वो भी अभी गिरफ्तार किया गया है। सुनील खबर बिजनौर से, जहां लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। 2 लड़कों पर काम के बहाने घर में बुलाकर गैंगरेप का आरोप है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज किया है। दोनों आरोपी पीड़िता के घर के पास ही रहते हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बुलंदशहर में हॉरर किलिंग के डर से एसएसपी से शिकायत करने पहुंची थी एक नवविवाहित जोड़े के मामले में अब नया मोड़ आया है। पुलिस ने एक वीडियो जारी कर बताया कि अपहरण की बात झूठी है। वीडियो में नवविवाहिता कह रही है कि वो अपनी मर्जी से अपने मायके के लोगों के साथ गई थी, फिलहाल वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। थाना कोतवाली नगर और महिला थाना पुलिस ने नवविवाहिता को अपनी सुपुर्दगी में ले लिया है। कल नवविवाहिता को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले खबर आई थी कि एसएसपी से शिकायत करने पहुंची थी नवविवाहिता, जहां से उसके परिवार के लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। ये बात लड़की के पति ने कही थी। स्कूटी पर उसे ले जाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। अब इस मामले में नवविवाहिता खुद सामने आई है और उसने सफाई भी दिया है कि वो अपने परिवार के साथ अपनी मर्जी से गई थी। सुहेल जी को खतरा हो गया, उन्होंने यहाँ से वो कार में बैठकर पुलिस वालों के साथ देने के लिए मुझे वहां पहुंचे। आप उनको बता के नहीं आई थी? मैं उनको बताकर नहीं आई थी, ये मेरी गलती थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहां से मैं सही सलामत आई हूँ यहाँ पर एसएसपी के पास। अच्छा। हाजिर हुई मैं वहां पे, मैंने एसएसपी को बयान दिए कि मेरे घर वालों को कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और नहीं मेरी ससुराल वालों को कोई भी, मतलब मुझे परेशान नहीं करे, बस मैं सही सलामत जिनके लड़की को लेके बयान देने आया था लड़की को लेकर। लड़की के घर वाले आए, लड़की को जबरदस्ती ले गए। उसमें उसकी चाचियाँ थी, अम्मी थी, 3-4 लेडीज थी और 4-5 जेंट्स थे। उसमें उसके चाचा थे तीनों, वसीम, नसरू
और फैया था फुरकान और चार पांच जने आया और सब आया, वो सब उन्हें जबरदस्ती मारते पीटते ले गए उसे स्कूटी पर बिठाकर। तो लड़की क्या बालिक थी? लड़की बालिक थी, लड़की पूरी 24 साल की है। लड़की ने अपनी मर्जी से खुद कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज कितने दिन पहले किया आपने? अभी क्या था, हमने 1 तारीख में गाजियाबाद से NCR गाजियाबाद से। तो अब आपने कोई शिकायत पत्र दिया पुलिस को? जी वकील ने दिया है, हमने पुलिस को बुलवा रहे हैं उन्हें कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि कचहरी रोड पर SSP ऑफिस के बाहर एक महिला को जबरदस्ती जो है अगवा कर लिया गया। बाद में वो महिला मेरे ऑफिस उपस्थित हुई जिसमें उसने बयान दिया कि वो अपनी मर्जी से अपने घर वालों के साथ गई थी, उसका किसी ने कोई अपहरण नहीं किया था। इधर सीतापुर में अज्ञात वाहन ने एक बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार लड़का काफी दूर तक जा गिरा। दोनों लड़कों की मौत हो गई है। हादसा रामकोट थाना क्षेत्र के सीतापुर मिश्रिक मार्ग पर सिकटिहा ईंट भट्टा के पास हुआ है। बाइक सवार सीतापुर की तरफ जा रहे थे। इटावा से बड़ी खबर, जहां हादसे का शिकार होने से बची वंदे भारत। भरथना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकी गई। अयोध्या कैंट से आनंद विहार की तरफ जा रही थी ये ट्रेन। बाल बाल हादसे से बची है ट्रेन। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इटावा से बड़ी खबर, हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची वंदे भारत। भरथना रेलवे स्टेशन पर इस वक्त ट्रेन को रोक दिया गया। अयोध्या कैंट से आनंद विहार की ओर जा रही थी ट्रेन। थोड़ी देर ट्रेन को रोकने के बाद इसे रवाना कर दिया गया। सोनभद्र से खबर, जहां एक लड़के पर सीआर ने हमला कर दिया। घर से स्कूल जाते वक्त हमला किया। अस्पताल में इस वक्त लड़का भर्ती है। लड़के का इलाज, गांव वालों ने सीआर को पीट पीट कर मार डाला है। घोरावल थाना क्षेत्र के खरुआओं के कंपोजिट विद्यालय का ये मामला है। बरेली में एक हेडमास्टर का कारनामा सामने आया। बच्चों से टॉयलेट साफ करवाया हेडमास्टर ने, ये बात सामने आ रही है। टॉयलेट साफ करते वीडियो भी वायरल हुआ है बच्चों का। दमखोदा ब्लॉक के गरगैया का ये मामला है। News18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रही। मैं तो देख रही हूँ।